हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लिब्रोलाइट पर। लास्ट वीडियो में हमने शेड्यूल को यूज़ करना सीखा था। आज हम सीखेंगे टेबल्स, हमारा जो वॉल्यूम नंबर 1 है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये है हमारे बेसिक्स की लास्ट वीडियो, ठीक है। तो टेबल्स के नंबर वॉल्यूम नंबर 1 में फाइंड आउट करने से पहले हम जान लेते हैं टेबल के बारे में कुछ बेसिक बातें। टेबल है हमारा DDC के 19th एडिशन का वॉल्यूम नंबर 1, ठीक है। इसमें 7 ऑक्सिलरी टेबल्स दी गई हैं, इसका मतलब कि 7 सहायक टेबल्स हैं जो कि मेन क्लास के साथ ऐड होके हमारे नंबर को कंप्लीट करती है। ये 7 टेबल्स हैं स्टैंडर्ड सबडिवीजन जो कि होती है हमारी टेबल नंबर 1, जिसे कहा जाता है SS, और इसमें हमारे जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। टेबल नंबर 2 होती है हमारी एरिया टेबल, जिसमें कंट्री, स्टेट, अदर लोकेलिटीज़ दी गई हैं। टेबल नंबर 3 है हमारी सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, ठीक है, इसको लिटरेचर कर लीजिएगा। इसमें लिटरेचर से जुड़े हुए जनरल कॉन्सेप्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। टेबल नंबर 4 है हमारी सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, इससे आप लैंग्वेज कर लीजिएगा। इसमें लैंग्वेज से जुड़े हुए जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं। टेबल नंबर 5 है हमारी रेशियल, एथनिक और नेशनल ग्रुप्स की, जिसमें हमारा कोई भी नेशनल ग्रुप या फिर कोई रेशियल एथनिक ग्रुप आपको मिल जाएगा। टेबल नंबर 6 होती है हमारी लैंग्वेज, इसमें इंडिविजुअल लैंग्वेजेस दी गई हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस। टेबल नंबर 7 होती है हमारी पर्सन टेबल, जिसमें किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए या फिर कुछ जनरल टर्म्स जैसे कि चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, बेबी, ये सब हमें मिल जाएंगे टेबल नंबर 7 में। कुछ बातें जो हमें हमेशा दिमाग में रखनी है वो है कि जो टेबल होती हैं वो हमेशा मेन क्लास के साथ ऐड होती हैं और मेन क्लास हमें मिलती है शेड्यूल से, ठीक है। तो हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम टेबल को यूज़ करेंगे मेन क्लास के साथ। सेकंड पॉइंट है हमारा कि जब भी हम टेबल यूज़ करेंगे उसको बिना मेन क्लास के यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक हमारे पास कोई मेन क्लास नहीं है आप टेबल को नहीं यूज़ करेंगे, और इसी वजह से आपको हर एक टेबल के हर एक नंबर के आगे एक मिलेगा डैश का निशान, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इस नंबर के आगे मेन क्लास ऐड करनी है जो कि हमेशा शेड्यूल से ली जाएगी, ठीक है। आप उसको समरीज के द्वारा शेड्यूल से लें या फिर रिलेटिव इंडेक्स द्वारा डायरेक्ट लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा टेबल के नंबर के आगे आपको लगानी होगी मेन क्लास। टेबल कभी भी मेन क्लास का काम नहीं करती है, ठीक है, इसी वजह से इन्हें ऑक्सिलरी टेबल्स कहा जाता है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं टेबल नंबर 1 और 2 के। टेबल नंबर 1 से है सीरियल्स, डिक्शनरी, रिसर्च फार्मूलाज, फिलोसफी एंड थ्योरी, हिस्ट्री और कॉस्मोनस कोर्सेज। टेबल नंबर 2 से है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, USA, कोरिया और नॉर्वे। तो हम शुरू करते हैं सीरियल्स से। ये देखिए, ये हमारी है टेबल नंबर 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन की। यहाँ पे कुछ यूज़ ऑफ टेबल्स लिखा हुआ है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। हमें लेना है सीरियल्स का नंबर। जब भी आप कोई नंबर फाइंड आउट करेंगे आप पहले उसकी समरी देख लीजिएगा। तो यहाँ समरी दी गई है और उसमें 05 पर आपको देखने के लिए मिलेगा सीरियल पब्लिकेशन। तो हमारा सीरियल्स का नंबर हो जाएगा 05। इसे हम ऐड करेंगे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो कि दिए गए होंगे किसी मेन क्लास में, जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डिक्शनरी, जो आपको उसी तरीके से मिल जाएगा जिस तरीके से हमने सीरियल्स देखा है। आगे हम देखेंगे रिसर्च। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी फर्स्ट समरी, और हमारा रिसर्च होता है स्टडी एंड टीचिंग का पार्ट, इसलिए हम जाएंगे 07 में। ये देखिए, ये हमारा 07 और यहाँ दिया गया है स्टडी एंड टीचिंग, और इसमें हमें देखना है रिसर्च। तो हम आगे जाएंगे, यहाँ देखिए 072 पर लिखा हुआ है रिसर्च, तो हमारा रिसर्च का नंबर हो जाएगा 072। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फॉर्मूलाज, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट समरी, और हमारे जो फॉर्मूलाज या फिर टेबल, ये सब पार्ट होते हैं हमारा मिसलनी का, इसलिए हम जाएंगे 02 में। ये देखिए, ये हमारा 02 और उसके आगे लिखा हुआ है मिसलनी, और 0212 पर लिखा हुआ है
फॉर्मूलाज। ठीक है, इसमें अगर आपको टेबल का नंबर लेना हो या स्पेसिफिकेशन या स्टैटिस्टिक्स का नंबर लेना हो, सबके लिए आपको जो नंबर लेना होगा वो होगा 0212। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूलाज का नंबर हो जाएगा 0212। बाकी के एग्जांपल्स के नंबर भी आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे। आगे हम देखेंगे टेबल नंबर 2 से कुछ एग्जांपल्स, और हमारा पहला एग्जांपल है इंडिया। ये देखिए, ये हमारी टेबल नंबर 2 एरियाज़ की, और यहाँ दी गई है उसकी फर्स्ट समरी, जिसमें दिए गए हैं कुछ एरियाज़, रीजन्स, प्लेसेस इन जनरल, और बाकी सब है हमारे कॉन्टिनेंट्स, जिनकी हेल्प से हम अपना नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो इंडिया होता है वो होता है एशिया का पार्ट, और यहाँ एशिया दिया गया है डैश 5 पर। तो हम जाएंगे 5 नंबर की सीरीज़ में और वहाँ देखेंगे इंडिया। ये देखिए, ये हमारा 5 और यहाँ लिखा हुआ है एशिया, और यहाँ दी गई है उसकी फर्स्ट समरी, और आपको 5-4 पर देखने के लिए मिलेगा साउथ एशिया। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है इंडिया, तो हम जाएंगे 5-4 पर। ये देखिए, ये हमारा 5-4 और यहाँ लिखा हुआ है साउथ एशिया, और यहाँ लिखा हुआ है इंडिया, तो हमारा इंडिया का नंबर हो जाएगा 5-4। और अगर आपको देखने हो इंडिया से जुड़े हुए बाकी के एरियाज़, तो उसके लिए आपको देखनी होगी उसकी फर्स्ट समरी, और यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से जुड़े हुए जितने भी एरियाज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ नीचे देखने के लिए। ठीक है, 5-4-1 की सब क्लासेस में, जैसे कि यहाँ 5-4-2 दिया गया है उत्तर प्रदेश, 5-4-3 है हमारा मध्य प्रदेश, 5-4-4 है हमारा राजस्थान। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये तरीका है हमारे किसी भी एरिया को ढूंढने का। नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी एशिया का पार्ट है, जिस तरीके से हमने इंडिया देखा उसी तरीके से आपको पाकिस्तान का नंबर भी मिल जाएगा। तो हम पहले की तरह जाएंगे 5 नंबर की सीरीज़ में, और वहाँ आपको मिलेगा 5-4 पर साउथ एशिया, और साउथ एशिया के अंदर ही है पाकिस्तान। तो हम जाएंगे 5-4 पर आगे। ये देखिए, ये हमारी 5-4 की समरी, और उसमें दिए गए हैं इंडिया से जुड़े हुए एरियाज़, और 5-4-9 पर लिखा हुआ है अदर ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, तो हम जाएंगे 5-4-9 में। ये देखिए, ये हमारा 5-4-9 अदर ज्यूरिस्डिक्शन, और 5-4-9-1 पर है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नंबर हो जाएगा हमारा 5-4-9-1। चाइना श्रीलंका भी हमारे एशिया का पार्ट होते हैं, तो आपको ये नंबर मिल जाएंगे। आगे है हमारा USA। ये देखिए, ये हमारी टेबल नंबर 2 एरियाज़ की, और यहाँ उसकी फर्स्ट समरी, और हमारा USA होता है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, और नॉर्थ अमेरिका का जो नंबर है वो है 7। तो हम जाएंगे 7 नंबर की सीरीज़ में और देखेंगे उसमें USA। ये देखिए, 7 पर लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, और उसकी समरी की अगर हम बात करें तो 7-3 पर मिल जाएगा आपको यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारा USA का नंबर हो जाएगा 7-3। एरिया से जुड़े हुए बाकी के नंबर भी आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे। अगर आपको किसी एरिया का कॉन्टिनेंट नहीं मालूम है, तो आप सीधे रिलेटिव इंडेक्स में जाइए और वहाँ जाके देखिए अपना कोई भी एरिया जो भी आपको देखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे टेबल नंबर 3 के कुछ एग्जांपल्स, जो कि होती है हमारे सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर की टेबल, और हमारा पहला एग्जांपल है पोएट्री। ये देखिए, ये हमारी टेबल नंबर 3 सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, और यहाँ दिए हुए हैं कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स। आगे हम देखेंगे उसकी फर्स्ट समरी, और यहाँ -1 पर दिया गया है पोएट्री, तो हमारा पोएट्री का नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामा, और यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा -2 पर ड्रामा का नंबर, तो आपका ड्रामा का नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी के नंबर भी मिल जाएंगे टेबल 3 से। टेबल 3-1 हम देख लेते हैं, और हमारा पहला है आइडियलिज्म। ये देखिए, ये हमारी टेबल नंबर 3 जो कि 3 में ही दी गई है, और यहाँ आपको 1-3 पर मिलेगा आइडियलिज्म का नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोमांटिसिज्म, यहाँ आप देखेंगे 1-4-5 पर, तो यहाँ मिलेगा आपको रोमांटिसिज्म, तो हमारा रोमांटिसिज्म का नंबर हो जाएगा 1-4-5। आगे हमारा क्लासिसिज्म, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, तो ये नंबर भी आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे डायरेक्ट आपको 3A में।
आगे हम देख लेते हैं इरोटिका। तो ये देखिए, ये हमारी टेबल नंबर 3 जो कि कंटिन्यूड है, और यहाँ लिखा हुआ है इरोटिका जिसका नंबर है 3538। ठीक है, तो हमारे इरोटिका का नंबर हो जाएगा 3538। आगे हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 6 से। तो हमारा पहला है नोटेशन टेबल नंबर 4 से। ये देखिए, ये हमारी टेबल नंबर 4 और यहाँ लिखा हुआ है सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। इसमें हमें देखना है नोटेशन का नंबर। तो हमारी जो टेबल नंबर 4 है वो छोटी है, तो चाहे तो आप समरी से हेल्प ले लीजिए या फिर डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ नोटेशन का नंबर दिया गया है 1 1। ठीक है, तो नोटेशन का नंबर हो जाएगा हमारा 1 1। नेक्स्ट है हमारा फोनोलॉजी, और ये देखिए 1 5 पर आपको मिल जाएगा फोनोलॉजी का नंबर। बाकी भी आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे। लास्ट हम देख लेते हैं इसमें रीडर्स का नंबर। ये हमारी टेबल नंबर 4, उसमें हमें देखना है रीडर्स का नंबर, और ये देखिए यहाँ 86 पर दिया गया है रीडर्स का नंबर। ठीक है, तो रीडर्स का नंबर हो जाएगा हमारा 86। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेंगे हम टेबल नंबर 6 से, और पहला है हमारा हिंदी। ये देखिए, ये हमारी टेबल नंबर 6 लैंग्वेजेस की, और यहाँ दी गई है उसकी फर्स्ट समरी। यहाँ लिखा हुआ है इंडो यूरोपियन, इंडो जर्मनिक लैंग्वेज, इंग्लिश, जर्मनिक, रोमेंस, इटालियन, स्पेनिश, इटैलिक, हेलेनिक, और डैश 9 पर लिखा हुआ है अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हम जाएंगे अदर लैंग्वेजेस में। ये देखिए, डैश 9 पर दिया गया है अदर लैंग्वेजेस, और डैश 9 1 पर है ईस्टो इंडो यूरोपियन एंड सेल्टिक लैंग्वेजेस, और यहाँ 9 1 पर लिखा हुआ है हमारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। 9 1 की जब हम समरी देखते हैं तो यहाँ 9 1 4 पर आपको देखने के लिए मिलेगा मॉडर्न इंडिक लैंग्वेजेस, और उसमें 9 1 4 पर है हमारा मॉडर्न इंडिक लैंग्वेजेस, और 9 1 4 3 पर दिया गया है वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेजेस, और 9 1 4 3 1 पर दिया गया है स्टैंडर्ड हिंदी। तो ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा नंबर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मलयालम। तो मलयालम होती है हमारी द्रविड़ियन लैंग्वेजेस, जिसको हम देखेंगे डैश 9 4 में। ये देखिए, ये हमारी 9 4 की समरी, और यहाँ 9 4 8 पर लिखा हुआ है द्रविड़ियन, और 9 4 8 में अगर आप जाएंगे तो आपको 9 4 8 1 2 पर मिल जाएगा मलयालम का नंबर। ठीक है, तो बाकी लैंग्वेजेस भी आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टेबल, जो कि हमारी टेबल नंबर 5, और उसमें हम देखेंगे इंडियंस का नंबर, जो कि एक नेशनल ग्रुप है। ये देखिए, ये हमारी टेबल नंबर 5 रेशियल एथनिक और नेशनल ग्रुप की। और यहाँ दी गई है उसकी फर्स्ट समरी। तो यहाँ नॉर्थ अमेरिकन्स हैं, एंग्लो सैक्सन हैं, नॉर्डिक्स हैं, मॉडर्न लैटिन्स हैं, इटालियंस हैं, स्पेनिश, इटैलिक पीपल, ग्रीक रिलेटेड ग्रुप्स, और डैश 9 पर है अदर रेशियल एथनिक और नेशनल ग्रुप्स। तो यहाँ इंडियन तो नहीं है, तो हम जाएंगे डैश 9 में। यहाँ डैश 9 में कुछ नहीं दिया गया है, उसकी एक समरी दी गई है, और उसमें लिखा हुआ है अदर इंडो यूरोपियन पीपल। ठीक है, तो हम जाएंगे 9 1 में। तो ये देखिए, हम 9 1 में आ गए हैं, और यहाँ लिखा हुआ है इंडियंस, और जिसका नंबर है 9 1 4 1 1। ठीक है, इंडियंस का नंबर हो जाएगा हमारा 9 1 4 1 1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रशियन। रशियन पार्ट है इंडो यूरोपियन पीपल्स का, और यहाँ 9 1 7 1 पर लिखा हुआ है रशियंस। ठीक है, तो रशियंस का नंबर हो जाएगा हमारा 9 1 7 1। आगे हम देख लेते हैं अफ्रीकन्स का नंबर। ये देखिए, 9 6 पर लिखा हुआ है अफ्रीकन्स एंड पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। ठीक है, तो हम जाएंगे 9 6 में। ये देखिए, ये है हमारा 9 6, और यहाँ लिखा हुआ है अफ्रीकन्स। तो अगर आपको अफ्रीकन्स में कोई और नंबर लेना है तो आपको वो यहाँ से लेना होगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ अफ्रीकन्स का नंबर चाहिए तो वो लेना होगा आपको 9 6। तो ये थी हमारी टेबल नंबर 5, बाकी के नंबर इसी तरीके से मिल जाएंगे। अब देखेंगे टेबल नंबर 7, और पहला है हमारा लाइब्रेरियंस। ये देखिए, ये है टेबल नंबर 7, और यहाँ दी गई है उसकी फर्स्ट समरी। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे 0 1 पर इंडिविजुअल पर्संस, 0 2 पर है ग्रुप्स ऑफ पर्सन, और ऐसे ही बाकी नंबर्स आपको मिलेंगे। और 0 9 पर आपको देखने के लिए मिलेगा जनरलिस्ट एंड नोविसेज। ठीक है, तो
तो हम जाएंगे 09 में। ये देखिए, ये हमारा 09 और ये आ गया है आपका जनरलिस्ट एंड नोविसेस। इसे हम आगे देखेंगे तो आपको 092 पर देखने के लिए मिलेगा पर्सन्स ऑक्यूपाइड विद लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो वो लोग जो जुड़े हुए हैं लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस से, वो हो जाएगा हमारा लाइब्रेरियन का नंबर। तो हमारा लाइब्रेरियन का नंबर हो गया 092। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर्स। तो हम डॉक्टर्स को देखेंगे टेबल नंबर 7 पर्सन में, और ये हमारी फर्स्ट समरी जिसमें स्टार्टिंग में दिए गए हैं कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स, लेकिन जब आप आएंगे पेज नंबर 436 पर तो आपको देखने के लिए मिलेगा 1 से 9 तक स्पेशलिस्ट का नंबर। ठीक है, यहाँ दी गई है उसकी समरी, और यहाँ टेस्ट 6 पर आप देखेंगे पर्सन्स ऑक्यूपाइड विद अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो हमारा जो मेडिकल साइंस होता है वो अप्लाइड साइंस का पार्ट होता है, इसलिए हम जाएंगे डैश 6 में। ये देखिए, ये है डैश 6 और यहाँ लिखा हुआ है पर्सन्स ऑक्यूपाइड विद अप्लाइड साइंस, और यहाँ उसकी समरी में 6-1 पर आप देखेंगे पर्सन्स ऑक्यूपाइड विद मेडिकल साइंस। तो हमारा डॉक्टर्स का नंबर हो जाएगा 6-1। ठीक है, लॉयर्स और पुलिस का नंबर भी आपको इसी तरीके से मिल जाएगा। आगे हम देखेंगे पेंटर। तुम जाएंगे 1 से 9 तक स्पेशलिस्ट में, और यहाँ आप जो समरी देख रहे हैं वो आप देखेंगे कि हमारा 1 पे है फिलोसफी, 2 पर दिया गया है रिलीजन, 3 पर दिया गया है सोशल साइंस, 4 पर है लिंग्विस्टिक, 5 पर है प्योर साइंस, 6 पर है अप्लाइड साइंस, और 7 पे है द आर्ट्स। ठीक है, और ये समरी कुछ इस तरीके से है जिस तरीके से होती है हमारी फर्स्ट समरी जिसमें दी गई होती हैं 10 मेन क्लासेस। ठीक है, तो हम 7 पे जाएंगे और देखेंगे पेंटर्स का नंबर। ये देखिए, ये है डैश 7 और यहाँ लिखा हुआ है पर्सन्स ऑक्यूपाइड विद द आर्ट्स। ठीक है, और उसकी समरी में अगर आप देखेंगे तो 7-5 पर आप देखेंगे विद पेंटिंग्स। तो हम जाएंगे 7-5 में। ये हमारा 7-5, तो हमारा पेंटर्स का नंबर हो जाएगा 7-5। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टीचर। ये देखिए, ये आ गए हम 1 से 9 तक स्पेशलिस्ट में, और इसकी समरी है वो जैसा कि हमारा एजुकेशन होता है 10 मेन क्लासेस में सोशल साइंस का पार्ट, तो इसी तरीके से यहाँ डैश 3 में हो जाएगा पर्सन ऑक्यूपाइड विद द सोशल साइंस एंड सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हम जाएंगे डैश 3 में। ये देखिए, ये है डैश 3 और यहाँ लिखा हुआ है पर्सन्स ऑक्यूपाइड विद द सोशल साइंस एंड सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और उसकी फर्स्ट समरी में 3-7 पर आप देखेंगे पर्सन्स ऑक्यूपाइड विद एजुकेशन। ठीक है, तो हम जाएंगे 3-7 में। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पर्सन्स ऑक्यूपाइड विद एजुकेशन, और यहाँ 372 पर लिखा हुआ है विद टीचिंग। तो हमारा टीचर्स का नंबर हो जाएगा 372। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा बेसिक्स का लास्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से टेबल नंबर 1 को मेन क्लास के साथ ऐड किया जाता है, और जिन टर्म्स के नंबर मैंने फाइंड आउट करके नहीं दिखाए हैं उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा। खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।